السلام عليكم ورحمة الله. अभी कल आप लोगों ने क्या बोला था? कल आप लोगों ने क्या पढ़ा था? क्यों भाई, कुछ याद है? बीएस बीएन बीएम आप लोगों ने वो दोबारा रिवीजन स्टार्ट की थी या नहीं? क्यों भाई, जी आर जी आर सी आर एनीवन? कल कल हमने रिवीजन स्टार्ट की हुई है। कल हमने क्लास के बारे में, अच्छा चलिए उसको कंटिन्यू करते हैं। यही क्लास थी जो कल हम लोगों ने की। चले अब हमने क्या करना है, कल हम लोगों ने देखा था इसमें कंस्ट्रक्टर क्या होता है, हमने डाटा मेंबर देखा था, सेटर देखा था, गेटर देखा था, और फिर बस यही चीजें देख रही, डिस्ट्रक्टर और कॉपी कंस्ट्रक्टर कल नहीं किया था। ऐसे ही है ना? क्यों भाई, कंस्ट्रक्टर किया था कल? आपकी क्लास कितने बजे थी? नहीं कल शाम में तो किया था ये। आप ये काम तो हमने कर लिया था ना, कॉपी कंस्ट्रक्टर वाला। अच्छा कॉपी कंस्ट्रक्टर वाला कर लिया था, ठीक। आज इससे आगे चलते हैं। आगे है डिस्ट्रक्टर का। आगे क्या है हमारे पास? डिस्ट्रक्टर। अब डिस्ट्रक्टर का ये है कि अब जैसे देखें, आपने ये कंस्ट्रक्टर बनाया था, यहाँ पे बताता हूँ। आपने एक कंस्ट्रक्टर बनाया था डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, इसके अंदर आपने जो है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को में इसको मेमोरी जो है वो 2 दी, पर क्या इसमें असल में 20 ही देते हैं, 2 नहीं, 2 यानी आपने इसका साइज क्या रखा, पॉइंटर का साइज। अब ये जो मेमोरी है, ये जो मेमोरी है, अब आपका ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो जाए और मेमोरी वैसे की वैसे एलोकेट रहे तो इससे क्या होगा, आपका मेमोरी लीक होगा। क्या होगा, मेमोरी ली। तो अब ये जो आपने मेमोरी एलोकेट करवाई है नेम को, इस मेमोरी को वापस भी होना चाहिए। इसको वापस करने के लिए क्या करते हैं, फिर डिस्ट्रक्टर यूज करते हैं। डिस्ट्रक्टर जो है वो सेम एज कंस्ट्रक्टर ही था। यहाँ पे मैं इसको लिखता हूँ, यहाँ पे ये कंस्ट्रक्टर के बाद कॉपी कंस्ट्रक्टर और यहाँ पे डिस्ट्रक्टर लिखता हूँ। ये तो इसका जो सिंटेक्स है वो वही है, टिल्ड साइन इस रिटर्न कुछ नहीं करेगा ये, तो ये टिल्ड साइन है ट्रेस्ट, और ये आर्गुमेंट भी कोई पास नहीं करता। अब हमने क्या करना है, वो जो मेमोरी एलोकेट हुई थी किसको, इसको एफ नेम को, इस मेमोरी को हमने क्या करना है, डी एलोकेट करना। हम क्या करेंगे, डिलीट एफ नेम। इससे क्या होगा कि उससे जो मेमोरी है वो मेमोरी वापस ले लेगा, उससे मेमोरी क्या कर लेगा, वापस ले लेगा। तो यानी जब इसका अब देखें, जैसे मैं यहाँ पे मैं मैसेज लिखता हूँ यहाँ पे सी आउट डिस्ट्रक्टर, ये मैंने मैसेज लिखा है इसके अंदर,
अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उसे कुछ भी नहीं करते, और उसमें जैसे ये वाला ही बनाया था, ये वाला, इस ऑब्जेक्ट को हमने क्या यूज नहीं किया, मैं इसको ब्रैकेट के अंदर लिखता हूँ। ब्रैकेट के अंदर लिखने से क्या होगा, और ये इसका स्कोप खत्म कर दिया, तो इसका मतलब ये है कि ये क्रिएट होगा और साथ ही इसका डिस्ट्रक्टर भी कॉल हो जाएगा, साथ ही इसका क्या आ जाएगा। अब मैं इसको रन करता हूँ, अच्छा इसको अब ये देखिए, ये कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ इसका, हेलो अली, ये अब यहाँ पे बल्कि एंड लाइन भी कर देता हूँ, देखिए जिसको हमने रन किया, ये देखो पहले इसका कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, जैसे ही आउट ऑफ स्कोप गया डिस्ट्रक्टर कॉल, बाकी काम वैसे ही चला गया। अब डिस्ट्रक्टर कॉल होने की वजह से फायदा क्या हुआ कि वो जो मेमोरी एलोकेट करवाई थी वो हमने क्या करवा दी, डी एलोकेट करवा दी, जो मेमोरी एलोकेट करवाई थी वो क्या करवा दी, डी एलोकेट। असल में डिस्ट्रक्टर का काम भी यही होता है, अगर आप डी एलोकेट ना करवाते तो इससे क्या होता कि ऑब्जेक्ट डिस्प्ले हो जाता, मेमोरी डीएलोकेट ना। फोरन बाहर निकालनी है उसमें से, और बात सुनो तेज आंच में पका, फिर इसको बिल्कुल बाहर निकाल के पहले देख, बिल्कुल कुरकुरी हो जाए फिर उसमें डाल। अच्छा तो अब इसमें हम हमारे पास ये कंस्ट्रक्टर कॉल होता है जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, और डिस्ट्रक्टर कॉल होता है जब जब उसका ऑब्जेक्ट डिस्प्ले होता है। तो आपने ये दिन इसको आप देखते हैं कि आप हमारे तीन चार ऑब्जेक्ट बने थे, ये पहले वाला तो चूंकि आउट ऑफ स्कोप जाते ही वो डिस्प्ले हो गया, तो इसका डिस्ट्रक्टर पहले कॉल हो गया, बाकियों की इधर कॉल हो गया, सैलरी आफ्टर टैक्स और ये डिस्ट्रक्टर कॉल। यहाँ पे आफ्टर टैक्स के बाद हमने वो नहीं दिया ना, इसको एंड लाइन नहीं दिया, तो ये दो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुए थे, तो दो डिस्ट्रक्टर कॉल हो, और दोनों की मेमोरी भी वापस होगी, जो 20-20 बाइट मेमोरी ले रहा है ना वो मेमोरी भी वापस होगी। तो ये काम किसका था, डिस्ट्रक्टर का। अब इसमें और न्यू का आपको दिस कीवर्ड का कल बताया था, वो भी बता दिया था। अच्छा और फंक्शन क्लास के अंदर और क्या चीज है, कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर सेटर गेटर इनपुट आउटपुट। हाँ इसमें एक और चीज भी है, वो है स्टैटिक वेरिएबल। स्टैटिक वेरिएबल का क्या मतलब है, वैसे आप ये अगर आपको देखें क्लास के अंदर क्या होता है, अगर आपने एक क्लास बनाई या बल्कि मैंने एक क्लास बनाई हुई थी, फाइल ओपन, यहाँ पे क्या है कॉपी कर सकते हैं, ये आपने क्लास बनाई, ये तो खैर कल जो हमने बनाई थी कि ये इसका एक ऑब्जेक्ट है क्लास का। अच्छा अब इसमें क्या होता है कि आपने आपका ये एक ऑब्जेक्ट है, मसलन ये ऑब्जेक्ट वन है, ऑब्जेक्ट वन, और ये ऑब्जेक्ट टू है। अब इसमें एक चीज नोट की आपने कि इन दोनों की ये इसका नेम है, इसका नेम अलग है, ये इसका एफ नेम है, इसका एफ नेम अलग है, ये इनमें हर एक की वैल्यूज जो है इंस्टेंस की, हर ऑब्जेक्ट की जो क्लास वेरिएबल है वो क्या है, हर एक के अलग अलग है। अगर आप ये चाहते हैं कि कोई शेयरिंग हो
सर आप ये कहते हैं कि एक वेरिएबल हो, मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, यहाँ पे मैंने वेरिएबल बना और उसका नाम मैंने रख दिया फर्ज किया काउंट, इसका नाम क्या रख दिया काउंट, और इसके अंदर जो है हमने रख दिया जीरो, ये जीरो पर। अब ये जो वेरिएबल है काउंट का, ये दोनों के लिए शेयरिंग है, दोनों के लिए शेयरिंग। इससे क्या मुराद है दोनों के लिए शेयरिंग, कि यहाँ पे इसको ये वाला ऑब्जेक्ट भी शेयर कर रहा है, और ये वाला ऑब्जेक्ट भी शेयर कर रहा है, दोनों का एक ही है। अगर ये इसको चेंज करता है तो ये भी इसको चेंज कर सकता है, और दोनों को वो शेयर्ड ही मिलेगा। मतलब आप इसको यहाँ के कट करके, यहाँ भी कट करके इसकी बजाय वन रखते हैं, दोनों को वन मिलेगा। इसको कट करके वन करेंगे तो दोनों को वन मिलेगा। ये जो है ये शेयर्ड जो है, और एक और चीज कि ये दोनों ऑब्जेक्ट अभी बने भी ना हो लेकिन ये जो शेयर्ड है स्टैटिक वेरिएबल, आपने पढ़ा था ना स्टैटिक वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल होता है जिस जो क्रिएट कब होता है, जैसे जहाँ पे वो आप उसको क्रिएट करते हैं वहीं पे वो क्रिएट हो जाता है, जहाँ पे वो वेरिएबल बनाते हैं वहीं पे क्रिएट हो जाता है, और देन उसको जो है उसको, और वो डिस्ट्रॉय कब होता है, जब प्रोग्राम डिस्ट्रॉय होता है। अब मतलब यहाँ पे मैं अगर ये बनाता हूँ, मैं कहता हूँ जी यहाँ पे किया जी स्टैटिक, ये स्टैटिक इंट काउंट, ये मैंने स्टैटिक इंट काउंट बनाया, मैं करता हूँ तो इसकी जो क्रिएशन है यहीं पे हो गया। मैं यहाँ पे कहता हूँ पब्लिक, ये यहाँ पे क्लास खत्म होती है, ये पब्लिक काउंट इक्वल टू जीरो, मैंने इसको जीरो से इनिशियलाइज कर दिया। इसको रन करते हैं, पहले चेक करते हैं एक्सपेक्टेड, तो यहाँ पे पब्लिक नहीं आएगा, सही कहते हैं। इंट क्लास का नाम टेस्ट, टेस्ट काउंट, ये चीज इसको मैं रन करता हूँ, ये रन हो गया। अब एक चीज और नोट करें, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि किसी भी लम्हे पे आपने ये देखना हो, मैं एक फंक्शन बनाता हूँ जिसका नाम क्या है, इसमें कहते हैं जी इंट नंबर ऑफ, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, यहाँ पे मैं इसको रिटर्न करता हूँ रिटर्न काउंट, और ये जो हमारे पास है हमें जितने भी ऑब्जेक्ट बनते हैं हमें, हम इसमें क्या कर लेते हैं जी काउंट प्लस प्लस कर लेते हैं, काउंट प्लस प्लस। अब जैसे यहाँ पे कंस्ट्रक्टर आया तो कंस्ट्रक्टर में मैंने कहा, जैसे ही इसका कंस्ट्रक्टर बना तो काउंट प्लस प्लस कर दिया, काउंट प्लस प्लस, और इसमें भी जब ये बनता है काउंट प्लस प्लस, कॉपी कंस्ट्रक्टर की वजह से अगर कोई चीज बनती है इसमें भी काउंट प्लस, ऐसे ये पता चलेगा जितने ऑब्जेक्ट बने उतने, और जितने डिस्ट्रक्टर हो उसमें काउंट माइनस माइनस कर देते हैं जितनी दफा डिस्ट्रॉय होंगे, ताकि हमें किसी लम्हे में ये देखना हो कि इस क्लास के अभी तक कितने ऑब्जेक्ट बने हैं, तो हम ये इसको चेक कर सकते हैं। हमने एक वेरिएबल बना लिया काउंट प्लस प्लस और काउंट माइनस, यहाँ पे माइनस टिल्ड साइन के अंदर, यहाँ पे कंट्रोल भी काउंट माइनस। अब देखिए, अब मैं इसको चेक करता हूँ, हम यहाँ पे हमने चेक किया ये कितने ऑब्जेक्ट बन गए थे, यहाँ पे इसमें एक चीज और कर दें, एनलाइन कर देते हैं ताकि, अच्छा एनलाइन करने की जरूरत नहीं है, वो हमने वैसे रिटर्न करवाया। यहाँ पे मैं कर देता हूँ सी आउट, ये था ना, ये क्रिएट हुआ यहाँ पे,
कॉपी कर सकते हैं। पहले मैं जैसे सीआउट टोटल ऑब्जेक्ट्स क्रिएटेड सो फार, यहाँ पे वो क्या था नंबर ये, हाँ जस्ट नंबर ऑफ ये नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे यहाँ पे हमने क्या किया ये चीज, तो मैं रन करता हूँ क्योंकि इसी को आप शिफ्ट एंड कंट्रोल सी यहाँ पे करते हैं, ये बता देगा इस वक्त में कितने ऑब्जेक्ट यहाँ पे करते हैं। अब देखिए तीन जगह पे मैंने ये किया विदाउट ऑब्जेक्ट फंक्शन इट मेन, इसको रन करते हैं। अरे व्हाई डिड हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला, व्हाई डिड ये तो ठीक है ऑब्जेक्ट के लिए, ऑब्जेक्ट के लिए तो जरूरत नहीं है ये तो। अच्छा इसको ये क्या कह रहा है जी, टोटल करेक्टर एरर है एक्सपेक्टेड प्राइमरी एक्सप्रेशन बिफोर डॉट टोटल, ये नंबर ऑफ आर नॉट डिक्लेयर्ड इन द स्कोर, यहाँ पे कर लेते हैं ओबीजे वैन डॉट ये ओबीजे वैन से चल गया था, यहाँ पे से बता दीजिएगा इस टाइम कितने कितने हमारे पास जो है ऑब्जेक्ट हैं, तो दो ऑब्जेक्ट हैं यहाँ, लेकिन अब इसको वैसे क्लास के साथ भी चलना चाहिए, क्लास का क्या नाम हमने दिया टेस्ट ही है ना, इसमें चलें खैर वैसे हो रहा है तो अच्छा भाई इसमें हमारे पास वो बुक थी गूगल ड्राइव में, बुक में
ये आ गया जी हमारे पास पीवी कॉपी कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर ये स्टैटिक डाटा ये स्टैटिक डाटा नंबर। अच्छा जी इसको कैसे किया जी, नीचे आ गया नीचे आ गया ठीक है यहो इन किया हो ठीक है इसको उसी के साथ कॉल किया शो अच्छा ठीक है ये तो ऑब्जेक्ट के लिए ही होगा स्टैटिक नहीं बनाया इसने ठीक है ये यहाँ पे जो है अभी ये ऑब्जेक्ट के लिए तो एक्सेस हो रहा है जैसे हम यहाँ पे कर रहे हैं अगर हम इसको चाहते हैं कि ऑब्जेक्ट के लिए एक्सेस ना हो तो ये नंबर इसको भी स्टैटिक करना पड़ेगा स्टैटिक इन स्टैटिक ये तो अब इसकी वजह से अब ये हो सकता है यहाँ पे क्लास के लिए भी एक्सेस हो सकता है ऑब्जेक्ट के लिए भी हो सकता है क्लास के लिए भी तो अब यहाँ पे जो है यानी ये वाली चीज जो है हम कहीं पे भी चेक कर सकते हैं कि किसी टाइम में कंट्रोल सी कितने ऑब्जेक्ट बने हैं कंट्रोल भी यहाँ पे भी अच्छा भी इसमें हम हमारे पास इसको रन किया तो ये हमें जो है ये स्टार्ट में जब हमने कहा तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट जीरो थे फिर टोटल ऑब्जेक्ट क्रिएटेड वन हो गए फिर उसके बाद ये यहाँ पे टू हो गए और ये इस तरीके से जो है हमने यानी किसी भी लम्हे पे हमने चेक किया जब पहला एक कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ तो वन था फिर डिस्ट्रक्टर कॉल हो गया तो जीरो हो गया फिर एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ तो वन हो गया फिर वो दूसरा क्रिएट हुआ फिर टू हो गया ठीक है इस तरीके से हमारे पास ये काउंटिंग है के कितने ऑब्जेक्ट जो हैं हमारे पास हैं। अच्छा अब इसमें इसके कुछ रूल्स हैं इस स्टैटिक के ना रूल हैं वो रूल क्या है कि ये जो स्टैटिक वेरिएबल है ये ऑब्जेक्ट के क्रिएट होने से पहले ही क्रिएट हो जाता है मसला यहाँ पे हमारा प्रोग्राम है ना तो मैं कोई ऑब्जेक्ट भी नहीं बनाता फिर भी चलता है यहाँ पे देखिए मेन में पहली लाइन अभी कोई ऑब्जेक्ट नहीं बना कंट्रोल भी किया तो ये फिर भी चलता है इसका मतलब ये है कि इसके लिए ये शर्त नहीं है कि ये देखें स्टार्ट में चल गया ना स्टार्ट में से दिखा दिया कि जीरो ऑब्जेक्ट है जीरो अभी तक क्रिएट हुआ तो इसके लिए शर्त नहीं है कि ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो ये चलेगा यानी इस फंक्शन की क्रिएशन क्या है जैसे ही आपने क्रिएट किया ये क्रिएट हो गया अच्छा फिर एक और चीज़ कि अब अगर मैं ये मैंने स्टैटिक बनाया है अगर इसके अंदर मैं सी आउट करवाना चाहूँ मसलन तो मैं यहाँ पे कहूँ कि सी आउट कर दे एज ये एरर दे देगा वजह ये कि ये जो एज है ये इन तीनों चीज़ें हैं ये एज सैलरी बैलेंस ये सारी चीज़ें जो हैं ये तो क्रिएट कब होती है जब ऑब्जेक्ट बनता है ये सारी चीजें कब क्रिएट होती है जब ऑब्जेक्ट बनता है तो और ये वाला फंक्शन तो कॉल हो जाता है उससे पहले ही जैसे अगर मैं इसको रन करवाता हूँ तो ये एरर दे देगा वो कहेगा कि स्टैटिक फंक्शन एक्सेस नहीं कर सकता किसको नॉन स्टैटिक डेटा को अभी देखो इस पे इसने एरर दे दिया कि स्टैटिक मेंबर फंक्शन कैन नॉट इनवैलिड यूज ऑफ मेंबर टेस्ट एज इन स्टैटिक मेंबर फंक्शन
यानी स्टैटिक जो पहले ही क्रिएट हो जाता है ऑब्जेक्ट के क्रिएट होने से पहले, अब वो एक्सेस करने जा रहा है एज को जो कि क्रिएट ही नहीं हुआ, तो वो तो नहीं पॉसिबल कि उसको एक्सेस कर सके। इसका मतलब यह है कि जो स्टैटिक फंक्शन है, अब यहाँ पे मैं ये जो हमने बनाया ये नहीं एक्सेस हो सकता। मैं एक चार्ट बनाता हूँ कि कौन सी चीज किसको एक्सेस कर सकते हैं। मैं यहाँ कहता हूँ जी एक टेबल बनाया है, इसमें दो तीन चीजें हैं स्टैटिक और नॉन स्टैटिक। यहाँ पे मैंने टेबल बनाया, ये ऐसे बना लिया, ठीक है। यहाँ पे मैं कहता हूँ जी स्टैटिक, मैं यहाँ पे कहता हूँ जी फंक्शन, और यहाँ पे क्या है स्टैटिक मेंबर। वो मेंबर कुछ भी हो सकता है, फंक्शन भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है, और नॉन स्टैटिक स्टैटिक मेंबर। यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी स्टैटिक, अगर फंक्शन स्टैटिक होगा तो वो स्टैटिक डाटा को एक्सेस कर सकता है, यस। नॉन स्टैटिक को नो, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद है यहाँ पे नॉन स्टैटिक, यानी जितने भी आप फंक्शन बनाते हैं ना वो नॉन स्टैटिक होते हैं। जो नॉन स्टैटिक है वो इसको भी एक्सेस कर सकता है और इसको भी एक्सेस कर सकता है। अच्छा समझता हूँ, तो स्टैटिक की जो फंक्शन है वो सिर्फ स्टैटिक को एक्सेस कर सकता है, नॉन स्टैटिक को नहीं कर सकता। लेकिन नॉन स्टैटिक स्टैटिक मेंबर को भी कर सकता है, नॉन को भी कर सकता है, दोनों को कर सकता है। ये क्या बात हुई, इसकी वजह ये है कि नॉन स्टैटिक जब बना होता है उस वक्त स्टैटिक तो ऑलरेडी बना होता है तो वो उसको एक्सेस कर सकता है, लेकिन स्टैटिक जब बना होता है उस वक्त जरूरी नहीं है कि नॉन स्टैटिक भी बना हो, तो इसलिए वो इसको एक्सेस नहीं कर सकता। जैसे हमारे पास दो चीजें थी, फंक्शन और वेरिएबल। हमारे पास ये एक फंक्शन है, ये स्टैटिक फंक्शन है, ये क्या है स्टैटिक फंक्शन, और ये हमारे पास जो वेरिएबल टेस्ट का जो काउंट का वेरिएबल है ये क्या है स्टैटिक वेरिएबल, ये डाटा मेंबर हो गया ना, ठीक है। क्या ये हमारे पास स्टैटिक डाटा मेंबर। तो अब अगर देखो यहाँ पे ये काउंट काउंट को तो एक्सेस कर रहा है ना, ये देखो ये वाला फंक्शन जो है ये टेस्ट ये काउंट को यूज कर रहा है, कंस्ट्रक्टर ये भी काउंट को यूज कर रहा है, हालांकि ये स्टैटिक है। तो नॉन स्टैटिक फंक्शन स्टैटिक डाटा को एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन स्टैटिक फंक्शन नॉन स्टैटिक को एक्सेस नहीं कर सकते। तो ये इसका जो कंक्लूजन है, जो सारी जो पॉसिबिलिटीज है वो यहाँ लिख दी, कि स्टैटिक फंक्शन स्टैटिक मेंबर्स को एक्सेस, स्टैटिक मेंबर या डाटा इसमें दोनों ही है, फंक्शन भी और वो भी, फंक्शन भी और वेरिएबल भी। तो स्टैटिक फंक्शन जो है वो स्टैटिक को एक्सेस कर सकता है, नॉन स्टैटिक को नहीं कर सकता है, और अलबत्ता नॉन स्टैटिक जो है स्टैटिक को भी कर सकता है, नॉन स्टैटिक को। या तो कोई क्वेश्चन है तो पूछता है जी, कोई क्वेश्चन हो जी यार कोई क्वेश्चन नहीं, जी आर भी जो है ना गुम हो गई कि क्या बना क्या है हमारे पास, रिवाइज हमने करवा लिया और ये मुश्किल से मुश्किल चीज़ें आती आ रही है ना। पुरानी भी मैंने बताई, ऐसी नहीं है कि मैंने पुरानी छोड़ी नहीं है, अब पुरानी सारी चीज़ें रिवाइज करवाई हैं, लेकिन उसमें ये हुआ बस थोड़ा सा फर्क ये पड़ा है कि साथ में आपको कुछ एडिशनल चीज़ें भी बता दी, ऐसा ही हुआ ना। क्यों भाई अटेंडेंस लगा लीजिए यार, जी यार भी चुप है। सारी कौन चुप है,
किधर गया भाई? बच्चे बताओ, कोई मुश्किल है तो बताओ, कोई सजेशन है तो भी बताओ, कोई सजेशन है वो भी बताओ, अगर कोई मुश्किल है तो वो भी बताओ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर जी सिलेबस के बारे में ही है मुश्किल, के सिलेबस काफी ज्यादा हो गया है। वो हम तो आगे तो नहीं कुछ भी कर रहे, वही कर रहे हैं जो पहले पढ़ा है वही है। सर जी इसका कंटेंट, इसकी कंटेंट समझ सकती है कि हमने कितना पढ़ लिया है, कितना सिलेबस कवर हो चुका है मेरा? देखो हम हमारा फोकस उसी के ऊपर है, जो बुक है उसी के मुताबिक पढ़ रहे हैं। अब देखोगे मैंने बुक में से निकाला भी है, जो भी हमने हमें किया है काम, ये जो स्टैटिक वाला किया है तो बुक में से निकाल के दिखाया आपको कोई चीज़ है मेरा ख्याल, ये देखे ना सर जी हमने स्ट्रक्चर पढ़ लिया, स्टैटिक पढ़ ली है, हाँ ये पढ़ इनहेरिटेंस लिया, पढ़ लिया है, हाँ इनहेरिटेंस पढ़ ली, क्लासेस वगैरह पढ़ ली है हाँ पॉलीमॉर्फिज्म सर, पढ़ इसके ली, अलावा पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ी थी हमने, पॉलीमॉर्फिज्म टेम्पलेट पढ़ा था हमने, फिर हमने वो फाइल जी हैंडलिंग सर पढ़ी थी, ये सारी चीज़ें, और हमने तो कोर्स बड़ी जल्दी ख़त्म कर लिया है, जी सर ठीक हो आपको गया। पता भी नहीं चला था, देखो ना कैसे हमने फटाफट सारी चीजें खत्म कर दी। अच्छा सर जी आपने एक दफा क्लास में कहा था, इसी में मतलब कि ऑनलाइन क्लास में कहा था जूम में, कि आप पाइथन भी पढ़ाएंगे, ठीक वो मैंने है? तो पाइथन स्टार्ट, सर मेरी बात सुनो एक सेकंड, एक मिनट रुको, यहाँ जी पे जी ये अब मैं तो पाइथन पढ़ाऊंगा, अब कोई पाइथन ना पढ़े तो फिर क्या जबरदस्ती पढ़ाऊं? मैंने आप लोगों से पूछा था पाइथन का, आप लोगों ने इनकार कर दिया, आपकी मॉर्निंग क्लास ने भी इनकार कर दिया, इवनिंग ने भी इनकार कर दिया, अब आप कहेंगे मैं आपको दिखाता हूँ मैं तो पाइथन पढ़ा रहा हूँ, मैं कहाँ पढ़ा रहा हूँ ये देखो सर मैं। जी आप जहाँ पढ़ा रहे हैं सर मुझे भी उसमें ऐड कर लें आप ऐसा है मेरा जो टाइम टेबल है ना जी। मॉर्निंग वालों इनके साथ, BScS वालों के साथ या MSc वालों के साथ, तो यही जी लिंक सर है सेम, उसकी टाइमिंग मैं ठीक आपको होगा सर बता जी देता हूँ कि जैसे अच्छा आप मुझे ना एक टेक्स्ट करना तो मैं किसी एक क्लास की टाइमिंग आपको शेयर कर दूंगा या जी दोनों सर की ठीक शेयर कर होगा सर दूंगा, तो आप फिर जो आपको सूट करे आप उनके साथ पढ़ लेना पाइथन, उनको तो मैं पढ़ा रहा हूँ, उनको मैं ये रिवीजन जो है वो पाइथन में ही करवा रहा हूँ, यदि ठीक रिवीजन हो तो गया नहीं, सर ठीक हाँ तो ये आपकी क्लास है मना कर दिया तो मुझे तो कोई मसला नहीं, मैं तो उधर दो को पढ़ा रहा हूँ, दो को नहीं पढ़ा रहा, चार है मेरे पास, वो दो मेरे डिपार्टमेंट की, दो आपके डिपार्टमेंट की, और ये अगर कहते हो वीडियो लेक्चर, अगर आप एक ही बात है आप अगर क्लास नहीं अटेंड कर सकते तो मैं वैसे ही आपको वीडियो लेक्चर शेयर कर, आप मुझे टेक्स्ट कर दो, उनके जो वीडियो लेक्चर का लिंक हो मैं तुम्हें भी शेयर कर दिया करूँगा, आप वो देख लो सिंपल, जी सर ठीक हो गया, मैं आपको कर देता हूँ टैक्स। हाँ आप मुझे टेक्स्ट कर देना और उसमें मेंशन कर देना कि आपका क्या मुद्दा है, मैं आपको वो उन्हीं के लिंक से सेंड कर दिया करूँगा, जी चले सर ठीक हो गया और किसी का कोई मसला हो, मेरी क्लास ओवर।